आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। विक्रमादित्य सिंह को शहरी विकास विभाग की अहम कार्यभार हिमाचल प्रदेश सरकार में मिलने पर उन्हें बधाई दी। हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मदन ठाकुर एवं मुख्य सलाहकार श्री हरीश कुमार शर्मा द्वारा संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि शनिवार शयम लगभग 6:30 पर सर्किट हाउस मंडी में नगर निगम मंडी के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा श्री विक्रमादित्य सिंह को शहरी विकास विभाग की अहम हिमाचल प्रदेश सरकार में मिलने पर उन्हें बधाई दी तथा शरीर विकास विभाग के मंत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को संघ द्वारा पुष्प गुच्छ देकर एवं शॉल टोपी पहनकर सम्मानित किया। संघ की लंबित मांगों के संबंध में शहरी विकास विभाग मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी से मांग की तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को तुरंत ही पुरानी पेंशन व्यवस्था हिमाचल सरकार के 17 अप्रैल 2023 के आदेशों के अनुरूप देने की मांग की है तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से लंबित 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एवं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए धन्यवाद। शहरी विकास विभाग की अहम जिम्मेवारी देने पर मुख्यमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ से संबंधित नगर निगम मंडी कर्मचारी संघ हार्दिक धन्यवाद करता है एवं संघ द्वारा सर्किट हाउस मंडी में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी का एवं कांग्रेस अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का पुष्पगुच्छ देकर शाल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया एवं मंत्री महोदय को अहम विभाग मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा संघ द्वारा मंत्री महोदय से संघ की लंबित मांगों के लिए को पूरा करने के लिए चर्चा की। संघ द्वारा 17 अप्रैल 2023 से हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की सरकार की अधिसूचना के संबंध में मांग की कि शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को इस अधिसूचना के अनुसार शीघ्र अति शीघ्र पुरानी पेंशन व्यवस्था में बदला जाए एवं 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों से वर्षों से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए देय लाभ दिए जाएं, जिस पर मंत्री महोदय द्वारा संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही अन्य विभागों की तर्ज पर शहरी विकास विभाग के सभी शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी तथा 1 जनवरी 2016 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके लंबित देय लाभ दिए जाएंगे, जिसके लिए आश्वासन देने पर संघ के पदाधिकारियों द्वारा मंत्री महोदय एवं सांसद महोदय का हार्दिक धन्यवाद किया।